एससी वर्मा सॉल्यूशन चैप्टर 10 क्वेश्चन नंबर 72। अ स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड ओवर अ एज ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क एंड द फ्री एंड इज फिक्स्ड विद अ सीलिंग। द डिस्क मूव्स डाउनवर्ड अनवाइंडिंग द स्ट्रिंग। फाइंड द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क। क्वेश्चन में एक डिस्क दे रखा है और डिस्क के चारों तरफ एक स्ट्रिंग बांध रखी है, ठीक है, इस तरह से स्ट्रिंग बना रखी है। इस स्ट्रिंग बना के इस स्ट्रिंग को यहाँ पे सीलिंग पे बांध दिया, ठीक है। यहाँ सीलिंग पे बांधने के बाद इस डिस्क को जैसे ही छोड़ देंगे ये डिस्क नीचे जाएगी, राइट, ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, इस एम जी की वजह से नीचे जाएगा और ये इस तरह से खुलेगी डिस्क, ठीक है। इस तरह से इसका ये जो स्ट्रिंग है वो ओपन होगा, रोटेट होगा और ये ओपन होगा, राइट। तो मान लेते टेंशन टी है और इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए है, तो हमें ये वाला डाउनवर्ड एक्सेलरेशन फाइंड करना है, क्लियर है, ओके, स्टार्ट करें। तो देखो पहले तो ये लीनियर मोशन भी कर रहा है और रोटेशनल भी कर रहा है, तो लीनियर की बात करूँ तो लीनियर एक्सेलरेशन ए है, नीचे फोर्स एम जी की वजह से कर रहा है, टेंशन ऊपर है। तो नेट फोर्स की बात करता हूँ लीनियर में, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, और एम ए क्या होगा, एम जी माइनस टी, राइट, एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस टी। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन होगा लीनियर मोशन का। सेकेंड को ये रोटेशन हो रहा है अबाउट सेंटर ऑफ डिस्क, तो रोटेशन को मैं लिख सकता हूँ, रोटेशन में देखो टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, नेट टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा या फिर आर क्रॉस टी, यहाँ पे आर क्रॉस एफ लिखना है लेकिन एफ फोर्स कौन सा है, ये टी वाला, इसकी वजह से टॉर्क नहीं होगा, एम जी की वजह से, क्योंकि ये तो सेंटर पे ही लग रहा है, ये टी है जो रिम पे लग रहा है एंड पे, तो मैं इसकी वजह से टॉर्क लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क हाफ एम आर स्क्वायर, एल्फा को क्या लिख सकते हैं, देखो ए इज इक्वल टू आर इंटू एल्फा होता है तो एल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर, ये आ जाएगा आर इंटू टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टी आ रहा है, टी आ जाएगा हाफ एम ए, ये क्या आ गया मेरा टी आ गया। इस टी को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूँ, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस हाफ एम ए, हाफ एम ए को इधर ले लो तो थ्री बाई टू एम ए इज इक्वल टू एम जी, एम एम कैंसिल, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टू बाई थ्री जी, क्लियर, एक्सेलरेशन कितना आएगा टू बाई थ्री जी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फिर जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और चैप्टर नंबर कमेंट कीजिए।